नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। पूरे देश में आज जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। हर शहर, हर इलाका, हर गली चौराहे पर सन्नाटा ही सन्नाटा है। पीएम मोदी ने 19 मार्च को आदेश दिया है, संदेश दिया था, जिसके बाद ये देश में असर देखने को मिल रहा है। हम आपको मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे जनता कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। लोग सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जनता कर्फ्यू के दौरान उन्हीं लोगों को छोड़ा जा रहा है जो इमरजेंसी पेशेंट हैं, और सरकारी बस तो चल रही है उन्हीं लोगों के लिए जो सरकारी कर्मचारी है। इस तस्वीर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, कई इलाके की तस्वीरें आपके सामने हैं। हम सीधा रुख करते हैं कलवा मुमरा सील डाय घर, यहाँ का माहौल कैसा है। इस वक्त हमारे सहयोगी सानिया खान और इस्लामुद्दीन खान सबिया हुसैन शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम सानिया खान से जानते हैं। सानिया खान इस वक्त कलवा में मौजूद है, वहाँ का क्या माहौल है, जनता कर्फ्यू का असर किस तरह से है? जी सर, मैं मौजूद हूँ इस वक्त कलवा सर्कल पे। आप देख रहे हैं उस तरफ थाने आता है और इस तरफ जो है नवी मुंबई, और ये तरफ कलवा आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सारे रोड कितने खाली खाली है। जैसा आप हमेशा देखते थे कि सारे रोड भरे हुए रहते थे ट्रैफिक से, यहाँ के लोग हमेशा ट्रैफिक से परेशान रहते थे, मगर जिस तरह से यहाँ सारा रोड एकदम सन्नाटा है। और ऐसे मौके पर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जिसे इमरजेंसी है और कहीं एकदम अर्जेंट में जाना है। यहाँ जो बसेस चालू है वो सिर्फ सरकारी अधिकारियों के लिए है, और यहाँ पे एक भी ऑटो टैक्सी सब चलाना अलाउड नहीं है। हम आपको बता दें, जैसा कि पीएम मोदी ने ऐलान किया था 19 मार्च को कि जनता कर्फ्यू लगेगा, उसका पालन ये पुलिस वाले एकदम अच्छे से कर रहे हैं, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलोड हो रहा है। और जो जनता है वो भी रोड पर बिल्कुल नहीं निकल रही है, अपने अपने घरों में है। जो दुकानें हैं, जो शॉप्स हैं, जो आप हमेशा खुली देखते थे, वो सब आज बंद है। जनता को भी ये बता देना चाहते हैं कि आप लोग अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। अगर आपको कोई ज़रूरी कारण है तो ही बाहर निकलिएगा, क्योंकि इस हालत में अगर आपको इस मौके पर बाहर निकलते हुए देख लिया गया तो आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, आप पे पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सानिया जानकारी देने के लिए। फिलहाल कलवा में पुलिस तैनात है और जनता कर्फ्यू का असर दिखाई दे रहा है। ये साफ हो गया है कोरोना वायरस के समर्थन में पूरी जनता है। अब हम दूसरी तरफ आपको बता रहे हैं, जो है हमारे सहयोगी इस्लामुद्दीन खान से जानते हैं, मुमरा कौसा में जनता कर्फ्यू का असर किस तरह से है। जी फिरोज, बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना वायरस का भय बढ़ता ही जा रहा है और कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 घंटे के लिए जो है जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, और कहीं ना कहीं जो है जनता कर्फ्यू जो है वो सफल होते हुए भी दिख रही है। शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जनता कर्फ्यू लगाया गया है, और वो भी कोरोना वायरस की वजह से, और जनता का भी इसमें समर्थन मिल रहा है। जनता खुद जो है एहतियात बरत रही है कि वो एक दूसरे के संपर्क में ना आए और ज़्यादातर अपने घरों में ही रहें। कहीं ना कहीं जो है इस जनता कर्फ्यू का असर पूरे भारत में तो दिखाई ही दे रहा है, और मुमरा शहर की अगर हम बात करें तो चाहे वो मुमरा का रेलवे स्टेशन का परिसर हो, या फिर संजय नगर, कोलीवाड़ा, अमृत नगर, या फिर मुमरा कौसा हो, इस जगह पर भी दुकानें सभी तरह से बंद है। और आपको पुलिस बंदोबस्त दिखाएंगे कि इस तरह से कुछ लोग अगर बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस यहाँ पर जो है मौजूद है, उन्हें वापस जाने के लिए घर बोल रही है। इस तरह से जो है पुलिस यहाँ पर लगे हुए हैं, किसी भी तरह से अगर कोई घूमते हुए नज़र आ रहा है तो पुलिस उन्हें वापस घर भेजने का काम कर रही है, उन्हें घूमने नहीं दे रही। इस तरह से कुछ लोग हैं ऐसे अभी भी मुमरा शहर में जो बिना वजह बाइक लेकर जो है सड़कों पर घूम रहे हैं, और पुलिस जो है यहाँ पर लगी हुई है, उन्हें रोका जा रहा है, बाकायदा उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर वो किस वजह से जो है घर से बाहर निकले हैं, क्यों नहीं घर में है, जब जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, ज़्यादातर लोग जो है अपने घरों में हैं। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह से बाहर
निकल कर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है उनसे रोक कर उन्हें पूछताछ कर रही है कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि उन्हें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ गई है। ये सब बातें पुलिस उनसे पूछती है, उसके बाद ही उन्हें आगे जाने देती है। अगर वो ये बातें नहीं बता पाते हैं कि वो किस इमरजेंसी की वजह से बाहर निकले हैं, तो पुलिस उन्हें वापस घर जाने के लिए कहती है। और कुछ लोग यहाँ से घर भी जा चुके हैं क्योंकि पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया है। और फिलहाल एक बात और बता दें आपको कि जिस तरह से हम सुबह से ही देख रहे हैं कि मुंब्रा शहर में जिस तरह से ये जनता कर्फ्यू का असर दिखाई दे रहा है, रोड जो है सन्नाटा फैला हुआ है। इस रोड पर शहर की तमाम दुकानें बंद है, सिर्फ कोरोना वायरस को एहतियात के तौर पर लोग जो है सावधानी बरत रहे हैं, जो सरकार द्वारा निर्देश जारी किया जा रहा है उसका पालन कर रहे हैं। शुक्रिया इस्लामुद्दीन खान जानकारी देने के लिए। एक तरफ जहां मुंब्रा मुस्लिम बहुल इलाका है, ऐसे इलाके में पूरी तरह जनता कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है, और तीसरी तरफ हम रुख करते हैं प्रहार टाइम्स से। संवाददाता सबिया हुसैन शेख हमारे साथ बनी हुई है, हम उनसे भी जानते हैं कि सिलडाए घर परिसर जो है वहां पर मापा है और डोंबिवली है, उस इलाके में क्या माहौल है। जी फिरोज, इस वक्त हम सिलफाटा परिसर में है। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था, आज यहाँ पे वो कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू का आज पालन हो रहा है। तुम देख सकते हो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। यही हमारे पीछे ये सिलफाटा का जहाँ मार्केट लगती थी, आज वो मार्केट भी नहीं है, और यहाँ पे ना तो कोई लोग दिख रहे हैं, ना ही यहाँ पे कोई पब्लिक दिख रही है, पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा दिख रहा है आपको। और यहीं पर जो दुकानें भी है वो देख सकते हैं, ना तो कोई दुकानें खुली है, और इस सिल फाटा पे जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर वक्त 24 घंटा यहाँ पे ट्रैफिक हो रहती थी, और आज एक भी गाड़ी यहाँ मौजूद नहीं है। यही आप देख सकते हैं ट्रैफिक कर्मचारी भी मौजूद है, और हमने आपको तलोजा कल्याण फाटा का भी हाल दिखाया, वहाँ पे भी पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। तो आपने सुना, हमारे सहयोगी तीन अलग अलग जगहों से जो है जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। कोरोना वायरस 30 जनवरी से भारत में दस्तक दिया और फिर धीरे धीरे आज 300 के पार कोरोना वायरस अपने चपेट में ले लिया है, और 300 से अधिक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी का ये रविवार को यानी आज के दिन जनता कर्फ्यू लगाने का निर्देश था, आदेश था, और आज जनता कर्फ्यू का असर आपके सामने है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।